जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय बजरंगबली। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज की एक ऐसी गुप्त चौपाई जिसके सामने ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी परेशानी एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगी। प्यारे भक्तों, अगर आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा निराश हैं, परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन रात उदास रहते हो, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, पारिवारिक क्लेश से परेशान रहते हैं, लक्ष्मी घर में नहीं टिकती है, तो संकट मोचन हनुमान जी महाराज को सच्चे मन से याद करके यह चौपाई बोल देना। स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज आपकी सभी परेशानियां हर लेंगे। प्यारे भक्तों, आपसे निवेदन है, एक बार संकट मोचन हनुमान जी महाराज को सच्चे दिल से याद करके इस अद्भुत चौपाई को अवश्य बोलें। इसका फर्क आपको तत्काल देखने को मिलेगा। जो काम पहले बनते बनते बिगड़ जाते थे, वो काम अब चुटकियों में हल हो जाएंगे। कितना भी बड़ा संकट हो, बजरंग बली की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यारे भक्तों, अगर आप घरेलू झगड़े, जमीनी विवाद या फिर कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो यह मंत्र आज से आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपके जीवन में अजीब सा बदलाव आएगा, जीवन में खुफियाँ ही खुफियाँ होंगी। बस प्यारे भक्तों, आगे जो आपको अद्भुत चौपाई बताने वाले हैं, उसको अच्छे से याद करके कहीं नोट भी कर लीजिए, जिससे आपकी समस्या हल होने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद कर सकें। इस अद्भुत चौपाई को अच्छे से याद करके किसी डायरी में भी नोट कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो लोग आपकी तरह ही परेशान रहते हैं, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। तो प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज की इस अद्भुत चौपाई के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द MF वाइफ को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे भक्तों, चौपाई है, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुनार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिफरार। प्यारे भक्तों, इस अद्भुत चौपाई को मन ही मन बोलने से आपकी सभी परेशानियां बोलते ही दूर हो जाएंगी। प्यारे भक्तों, आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द MF वाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।